बाबा आंटी ने जो अपने लिए ड्रेस लिया है ना, इतना कोई खूबसूरत ड्रेस है, आप देखेंगे ना हैरान हो जाएंगे। सारी महफिल लूटने का इरादा है क्या? वो तो मैं वैसे भी लूट लेती हूँ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो मेरे ड्रेसिंग सेंस को। आंटी आपने नहीं लिया अपने लिए कुछ? मैं नहीं, काफी कपड़े मेरे पास, जरूरत नहीं है। रायना मेरा कार्ड तो वापस कर दे। तुम टेंशन मत लो, ज्यादा खर्चा नहीं किया है मैंने, दे दूंगी। बाबा ने रायना आंटी को शॉपिंग करा दी और आंटी पुराने कपड़े पहने। बाबा वो एक्चुअली मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने ये फैसला किया है बाबा कि मैं नदीम से शादी के बाद उसके अपार्टमेंट में रहूंगी, इस घर में नहीं। ये फैसला यूं अचानक? क्योंकि जब नदीम के पास अपना अपार्टमेंट है, उसका अपना घर है, तो मैं शादी के बाद यहाँ क्यों रहूं? और वैसे भी मैं लोगों को ये प्रूफ करना चाहती हूं कि नदीम मुझे अफोर्ड कर सकता है। जिस लाइफस्टाइल की मैं आदी हूं, वो लाइफस्टाइल मुझे दे सकता है और मेरी जिम्मेदारी उठा सकता है। यूसरा, आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया, क्योंकि अकेले रहकर तुम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं देख सकती। आई डोंट थिंक तुम मैनेज कर सकती हो। आंटी मैं कर लूंगी मैनेज, और जिम्मेदारी मुझ पे कहां से आएगी? वहां पे मुलाजिम है, अपना अपना काम जानते हैं। मुझे खुशी है बेटा कि तुम जिंदगी की हकीकतों को कबूल कर रही हो। मुझे तुम्हारे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं। थैंक यू बाबा।